नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बुलंदशहर में एडिशनल निरीक्षक का अजीब कारनामा, उच्च न्यायालय के निर्देशों का किया खुला उल्लंघन। बुलंदशहर की कोतवाली में तैनात अतिरिक्त इंस्पेक्टर अजय यादव ने अलीगढ़ के कारोबारी को किया अगवा। बुलंदशहर कोतवाली नगर में तैनात इंस्पेक्टर अजय यादव पर सरकारी पिस्टल के बल पर आधी रात को फैक्ट्री से कारोबारी को अगवा करने का आरोप। घंटों तक कारोबारी को गाड़ी में पीटने का भी आरोप लगा रहा। पुलिस को शिकायत होने पर थाने के बाहर फेंका। कारोबारी की शिकायत पर इंस्पेक्टर समेत 10 पर केस। बिना अनुमति ड्यूटी छोड़कर अलीगढ़ गया था इंस्पेक्टर। आईजी मेरठ से शिकायत के बाद इंस्पेक्टर निलंबित। एसएसपी बुलंदशहर ने इंस्पेक्टर अजय यादव को सस्पेंड किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर। थाना कोतवाली नगर पर तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार को कल निलंबित किया गया है। इनके संबंध में यह अवगत कराना है कि इंस्पेक्टर अजय कुमार थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1398/21 जो 16/9/21 को पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग के विवेचक थे और इसमें जो अभियुक्त थे वो अभिषेक तिवारी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध लगभग 660,000 रुपये का चेक बाउंस होने का एक मुकदमा बुलंदशहर कोतवाली नगर के एक वादी राजीव कुमार शर्मा के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में बिना वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश अनुदेश प्राप्त किए, बिना अनुमति ये अपने थाने से रवानगी करके गए थे। चूँकि ये प्रकरण इस तरह का था जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है, गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है और इस प्रकरण में उन्हें 41 की नोटिस दे करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय उच्च न्यायालय के भी इस तरह के आदेश हैं, लेकिन बिना वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाए जनपद को छोड़ना और ऐसे प्रकरण में जिसमें जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तथा जिसमें गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है, अकारण जा करके कथित अभियुक्त को हिरासत में लेना, टॉर्चर करना, इस तरह के आरोप इनके विरुद्ध लगाए गए थे। प्राथमिक जाँच कराने पर आरोप सही पाए गए, फलतः इंस्पेक्टर अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।